आगे बढ़ते हैं। मुरैना में नहीं रुक रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं। पिछले चार दिनों में चार हर्ष फायरिंग की घटनाएं। बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ, पुलिस मौन है, हर्ष फायरिंग ऑन है। तो लगातार हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आ रही है। मुरैना में हर्ष फायरिंग की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। पिछले चार दिनों में चार हर्ष फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। तो हर्ष फायरिंग की ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। मुरैना में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मुरैना जिले में पुलिस की सख्ती के बावजूद भी शादी और पार्टियों में हर्ष फायरिंग का सिलसिला नहीं थम रहा। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच बैठा एक युवक कानून को ठेंगा दिखाते हुए फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता सोमदत्त से। सोमदत्त, जानना चाहेंगे आपसे कौन है ये शख्स? पता नहीं चल पाया है, पुलिस इसकी पहचान कर रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोनारी के पास से घासीराम का पुरा है, वहां का रहने वाला युवक है। और ये बंदूक भी इसके नाम नहीं है, इसका लाइसेंस भी नहीं है। ये लाइसेंस और ये बंदूक किसी दूसरी महिला की है, जिसके नाम से ये बंदूक है उससे ये मांग के लाया है या इसको दी है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई है, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि हर हाल में हम इसका पता करेंगे और जो बंदूक का शस्त्र लाइसेंस जारी है उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और बंदूक को जब्त भी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मुरैना कलेक्टर द्वारा, जिला दंडाधिकारी द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है कि हर हाल में हर फायरिंग नहीं होनी चाहिए इसके लिए। सोमदत्त, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिया जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में क्या पता चल पाया है और कहां से इसके पास ये बंदूक आई है? नमस्कार मैडम, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं उनके विरुद्ध मुरैना पुलिस जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी दो तीन घटनाएं विगत में हुई थी, उनमें सब में एफआईआर हुई है। और दूसरा ये है कि इस तरीके की गतिविधियां ना हो, लोग जो है शस्त्र जिनके पास हैं, लाइसेंस उनको आत्मरक्षा दिए गए हैं, वो जो है उसका दुरुपयोग न करें, हर्ष फायर न करें, इसके लिए शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है और इसमें उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डीएम महोदय ने इसमें पूरा निषेधाज्ञा लागू कर दी है कि इस तरीके से कोई फायर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो वो भी एक प्रोविजन है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है कि सोशल अवेयरनेस का है, जो भी जिसके यहाँ प्रोग्राम रहते हैं और इस तरीके से जो हर्ष फायर करते हैं, हर्ष फायर के दौरान जिनके यहाँ जो भी प्रोग्राम रहता है, शादी का हो या लगन फलदान का हो अथवा जो है कोई और उत्सव हो, तो वो सब मातमी माहौल बन जाता है, खुशी की यहाँ गमी होती है। तो और दूसरा भी पॉइंट इसमें ये है कि जो आदमी घटना जाने अनजाने में अगर जो है चला रहा है वो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, तो वो भी जो है उसके खिलाफ लिटिगेशन की कार्रवाई में वो जेल जाता है। तो इस प्रकार पूरे जिसके यहाँ शादी है वो उसके यहाँ पूरी शादी में विघ्न तो डलता ही है, दूसरा जो परिवार जिसका आदमी गया है वो उसका परिवार सफर करता है, और तीसरा जो है इसमें जो आरोपी है उसका परिवार भी अनायास जो है जब वो जेल जाता है तो उसको सफर करता है। तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ वो है, इस परंपरा पे हम लोग जो है सख्ती से रोक लगा रहे हैं कानूनी तौर पर। लेकिन राय सिंह जी, पिछले चार दिनों में चार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या लोगों को बिल्कुल जागरूकता नहीं है, डर नहीं है कानून का, आखिर क्या समझा जाए इसे? निश्चित तौर पर ये जो है सोशल अवेयरनेस और जो है हथियारों का, जो यहाँ इस क्षेत्र में काफी जो है, वैसे भी शस्त्र लाइसेंस देखा जाए तो यहाँ काफी लोगों को मिले हुए हैं आत्मरक्षार्थ, तो वो जो उसका शादियों के समय पर, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे हम पूरे सभी थाना प्रभारियों को ताकीद किए हुए हैं कि जो भी शस्त्र लाइसेंस अपने लेके चल रहे हैं, शस्त्र वगैरह जहाँ भी आ जा रहे हैं, तो उनकी पूरी प्रॉपर चेकिंग करें कि जिस व्यक्ति के नाम है, जिस व्यक्ति को कोई जो है खतरा है जब उसकी जान को, तभी लेके चले, अन्यथा जो है शस्त्रों के प्रदर्शन पर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। अगर ऐसे व्यक्ति लेके जा, मतलब जो उसको चल रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी जो है इसमें जो 144 का आर्डर निकला है उसमें कार्रवाई का प्रोविजन है। जी धन्यवाद राय सिंह जी इस पूरी बातचीत के लिए। सोमदत्त, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो युवक ने यहाँ पर हर्ष फायरिंग की है, मुरैना से खबर है। और हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तो ये तस्वीरें मुरैना से सामने आई है जहाँ पर एक युवक बच्चों के बीच में हर्ष फायरिंग कर रहा है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता था। और इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं आती है, चार दिनों में चार मामले ऐसे सामने आ चुके हैं हर्ष फायरिंग के। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा कुछ तस्वीरें वो दिखाते हैं कैसे हर्ष फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें देखिए, चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं दोनारी से, ये 23/4 की घटना है। वहीं 22/4 की घटना मुरैना से ही,
वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए मटियापुरा से, और ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं ये 20 तारीख की तस्वीर है खिड़ौरा से। तो ये मुरैना के ही चार वारदातें हैं ऐसी जहां पर हर्ष फायरिंग की जा रही थी। जितेंद्र, तो क्या यहां पर अपराध जिस तरह से कहीं ना कहीं अपराधी तो है ही है बेलगाम, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनता है उनमें भी क्या नियम कायदों की कोई जानकारी नहीं है, या फिर जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उनका पालन करने के लिए कोई भी क्या बाध्य नहीं है यहाँ पर? देखिए, पहले इस पूरी खबर को देखने से पहले हमको एक मानसिकता समझनी पड़ेगी, और ये मानसिकता है ग्वालियर, चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जो चंबल का एरिया पड़ता है, यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनकी। यहाँ पर हमेशा ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति के पास एक साइकिल है और अगर उसके पास कुछ पैसा आ जाता है तो वो अपना मकान नहीं बनवाएगा, वो अपने लिए किसी प्रकार का रोजगार खड़ा नहीं करेगा, वो वहाँ पर अपनी बंदूक का लाइसेंस बनाएगा और एक बंदूक अपने पास ज़रूर रखेगा। हर्ष फायरिंग की जो घटना है यहाँ पर आमतौर पर हमेशा देखने को मिलती है, शादी हो, पार्टी हो, विवाह हो, या तमाम प्रकार के कोई आयोजन हो, हर्ष फायरिंग आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। पिछले कई सालों का अगर हम रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो हर्ष फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो ग्वालियर, जो चंबल का इलाका है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगी, चाहे शादी विवाह हो या किसी प्रकार के अन्य वो हो, उत्सव हो, उसमें आपको हर्ष फायरिंग होती दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इस हर्ष फायरिंग के चलते ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ऐसा नहीं है कि हर्ष फायरिंग ही सिर्फ दिखाने के लिए होती है, लेकिन ना जाने इस हर्ष फायरिंग में कितने लोगों ने अपनी जान तक भी गंवा दी है। बावजूद इसके अभी तक यहाँ पर लोगों की मानसिकता में बदलाव ना आना ये एक सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए चाहे प्रशासन तंत्र हो या फिर तमाम जो व्यवस्था है वो हो, वो काम नहीं कर पाएगी। एक जन जागरूकता जो अभियान है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में चलाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसके पास भले ही साइकिल होगी और पैसा आएगा तो वहाँ पर जाकर वो सिर्फ एक बंदूक खरीदेगा या फिर अपना लाइसेंस बनवाएगा। तो यहाँ पर जरूरत है कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की। अगर इस मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, जो कायदे, नियम है, कानून है, उसमें भी बदलाव लाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि क्योंकि ये इलाका ऐसा माना जाता था लोग आत्मरक्षा के लिए बंदूकों का लाइसेंस लेते थे, डाकू का डर लगातार बना रहता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस कानून में भी बदलाव किया जाए कि हर दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस ना दिया जाए। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं हुआ कि जो प्रशासनिक अमला है, भले ही वो क्षेत्र के SP हों, क्षेत्र के कलेक्टर हों, ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, कहीं ना कहीं जो फेलियर है वो पूरी तरीके से साबित हो रहे हैं। अगर आपका खौफ ही नहीं है, अगर क्षेत्र में आपका डर ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं करेगा। मध्य प्रदेश में और भी ऐसे कई जिले हैं, आखिर वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने क्यों नहीं आती हैं? आखिर क्यों वहाँ पर लोग हर्ष फायरिंग नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको डर है कि प्रशासनिक अमले का, कि अगर जरा सी भी इस प्रकार की कोई हरकत करने की कोशिश की तो उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो काफ़ी कड़ी होती है, और कार्रवाई कड़ी नहीं होती है, कड़ी से कड़ी होती है, और इसके अलावा लोगों को अरेस्ट किया जाता है और तमाम जो उनके आर्म्स एक्ट होते हैं, तमाम जो होते हैं उस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है और लाइसेंस को भी निरस्त किया जाता है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो चंबल का इलाका रहता है, यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रहा हो, चाहे वो SP रहा हो, DIG रहा हो, या फिर वहाँ पर कलेक्टर रहा हो, इनका कहीं ना कहीं एक फेलियर जो है वो सामने निकल कर आता है कि आपका डर ही नहीं है। प्रशासन का अगर डर किसी के सामने नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमेशा सामने आती रहेगी, और अगर प्रशासनिक डर हमेशा बना रहेगा तो वहाँ पर आप हमेशा देखेंगे कि इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सामने नहीं आएंगी। और ग्वालियर चंबल की ही हम अगर बात करें तो हर्ष फायरिंग के मामलों में आप देखिएगा, पिछले कई साल का रिकॉर्ड निकाल कर अगर देखेंगे तो ये वही क्षेत्र है जहां पर हमेशा से ही हर्ष फायरिंग की जो घटना है वो सामने निकल कर आती है। हर्ष फायरिंग के चलते ना जाने कितने मौतें इस क्षेत्रों में होती हैं। बावजूद इसके अगर प्रशासनिक अमला बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं यहाँ के पूरे प्रशासन पर कि किसी प्रकार का डर है उन्हें, किसी प्रकार का खौफ है, या फिर किसी प्रकार का प्रेशर है कि आखिर वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, अपना प्रेशर क्यों नहीं जमा पा रहे। अगर आपको जितेंद्र, पुलिस को कार्रवाई करनी होगी जिससे कि लोग इस व्यवस्था का पालन करें और जो नियम है उनको ताक पर ना रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।